आराम से। ये सारे फूल? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इस कदर खूबसूरत फूल किसने भिजवाए? शहीर अहमद के अलावा कौन खर्चा कर सकता है इतना फूलों पर? वैसे इतने पैसों में ना हमारे घर के ना पूरे महीने का सौदा आ सकता है। चलो इरा, मैं तुम्हें बाहर कमरे में छोड़। अच्छा रुको, इसे कमरे में छोड़ने के बाद ना ये सारे फूल उठा के इसके कमरे में रख देना। ऐसा ना हो कि महल्ले वाले देखें और ये सोचें कि हामिद अली ने फूलों का कारोबार शुरू किया है। ठीक है अम्मी। अरे नौशाबा बेगम, कभी तो खुश हो जाएगा, देख नहीं रही हो कितने खूबसूरत फूल है? भाई एक बात मानने वाली है कि शहीर अहमद की पसंद लाजवाब है, पर मुझे मोहल्ले वालों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ कहता है कहने दे, मुझे परवाह नहीं है किसी की भी। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा है मुझे ये सब कुछ देख कर ना उसकी दीवानगी का। अरे कभी तो अपनी जबान बंद कर लिया करो, देख नहीं रही हो इरा कितने दिन बाद घर लौटी है, हर वक्त बक 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 बक। आराम से आहिस्ता इधर बैठो, आराम से यहाँ आराम से बैठ। देख के मैं, अच्छा तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। अच्छा सुनो, खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा, बस बाहर जो फूल पड़े हैं वो अंदर रख देना, धूप में मुरझा जाएंगे। फूलों की बड़ी टेंशन हो रही है तुम्हें? कभी सोचा था कि शहीर अहमद जैसा इतना चाहने वाला लड़का तुम्हें इतनी आराम से मिल जाएगा? वैसे वो भी दीवाना फिरता रहता है तुम्हारे पीछे। इसे मैं तुम्हारी तंज समझूं या तारीफ? समझना है तो फिर हसरत समझो, किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता। लगता तो वैसे मुझे भी बिल्कुल एक ख्वाब की तरह है। तो हकीकत लेकिन ख्वाब जैसी हसी। अब उस मुजरिम के बारे में कुछ पता चला? शही ने कुछ बताया तुम्हें? हाँ सब बता दिया। क्या क्या बताया? यही कि मुलजिम ऑन स्पॉट पकड़े गए और आगे भी कार्रवाई होगी। और क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, सब खैरियत है? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगी, अब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो पूछना तो बनता ही है ना। अच्छा खैर छोड़ो ये सारी बातें, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे फूल लेके आती हूँ।